तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत गर्म है। ये घोड़ा सबका जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इतना ऊपर उठते जा रहे हैं, बादल और हमारा लेवल एक ही होते जा रहा है। हर हर महादेव। तो अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में हूँ और सुबह का भी बजा है 5:30। और अभी हम लोग जो है आगे जाएंगे गौरीकुंड के लिए। ये अपना ग्रुप है छोटा सा, तो हम लोग अभी जाएंगे गौरीकुंड में नहा वहाँ के, उसके बाद जो है फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा हर कोई हर हर महादेव। निकले ही थे, बारिश होना शुरू हो गया तो रेनकोट पहन लिए। अभी जा रहे हैं आपका गौरीकुंड, वहाँ पे गर्म पानी मिलता है, गर्म पानी से नहाएंगे, फिर सारे पाप धोकर जो है फिर बाबा के पास जाएंगे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं केदारनाथ का जो है आपका ट्रैक 16 किलोमीटर है, लेकिन लोकल्स बता रहे हैं 23 से 26 किलोमीटर का जो ट्रैक होगा। तभी थोड़ा देर बाद जो है गौरीकुंड पहुँचेंगे, फिर उसके बाद यात्रा आएगा शुरू रखेंगे। फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग गौरीकुंड। पानी गर्म है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे गर्म हो जाता है, तो अभी कपड़ा वगैरह चेंज करके जाते हैं नहाने के लिए। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत गर्म है ये। तो गौरीकुंड से हम निकल चुके हैं अभी केदारनाथ के लिए। मैं अपना साइकिल ले लिया हूँ, अभी थोड़ा ऊपर आया हूँ, थोड़ा रेस्ट करके, मतलब क्या है 5 मिनट रेस्ट करके फिर निकलना है। एकदम कंटिन्यू चलेंगे तो फिर पंप हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे बाबा के पास, बहुत जल्द पहुंचेंगे भी आज। देखिए रास्ते में जो है इधर घोड़ा पे बैठ के सब जा रहे हैं, और इधर बहुत सुंदर वाटरफॉल मिल रहा है रास्ते में। अभी तक जो है 2 से 3 किलोमीटर चले हैं, उसी में हालत ख़राब हो गया है, हाथ पाँव पंप होने लगा है। अभी थोड़ा आराम करेंगे, आराम कर करके ही जाना पड़ेगा। ये ऐसा मतलब क्या है, डायरेक्ट जा नहीं सकते, आराम करते करते आराम से जाना है। एक्सपीरियंस कैसा रहा इतना दूर चढ़ने का बताइए। मत पूछो, अक्सर तो निकल जाएंगे। भाई तू भी बता दे। थक गया भाई, एक घोड़े वाले ने लगा दिए। तो देख ही रहे हम लोग का हालत। अब भोलेनाथ इतने ऊपर बैठे हुए हैं, जाना तो पड़ेगा। थोड़ा पास भी बैठ सकते थे, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। पांडव भगाता कौन फिर। ये घोड़ा सबका जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, इसलिए पूरा जाम लगा हुआ है। ओहो, अभी जाम को खोला भी गया है। खूबसूरत नजारा दिख रहा है वहीं पे, और थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर महादेव मिल जाएंगे। बस वहाँ पे वो हिमालय है, बर्फ भी गिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत व्यू है। चलते चलते हमें मिला है झरना, देखने के लिए रुके हैं। और ऐसे भी हालत खराब है, अभी पता नहीं और कितना ऊपर उठना है वो भी पता नहीं, लेकिन बारिश वारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है। देर पे जो है बारिश देने लगता है, एक बार रेनकोट खोलते हैं, फिर पहनते हैं, फिर खोलते हैं, फिर पहनते हैं, यही सिलसिला चल रहा है। और पता नहीं यहाँ पे हम लोग कैसे जगह पे आए, लाइक एकदम पबजी वाला फील हो रहा है। इधर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, उधर से जा रहा है, इधर से जा रहा, समझ नहीं आ रहा किधर किधर से जा रहा है। लेकिन जो भी है बढ़िया यात्रा। तो बहुत देर साइकिल चलाने के बाद जो लगा है भूख, तो बढ़िया सा एकदम नाश्ता कर लेते हैं। सलाद है, फ्रूट सलाद खा लेते हैं पहले, बहुत भूख लगा है। तो 12 बज गया है, नाश्ता अभी तक किए नहीं थे, तो पराठा और चाय खा रहे हैं। और बाबा का मंदिर यहाँ से 12-14 किलोमीटर के आसपास है। बस नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे बाबा के पास। हर तरफ देख सकते हैं जो आपका जो है बादल ही बादल हो रखा, और बारिश का तो पूछिए मत। अब ये समझ नहीं आ रहा हम बादल में हैं या पहाड़ बादल में हैं, या बादल पहाड़ में है, या भोलेनाथ पहाड़ में, या बादल में, आप समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को समझ आ रहा है तो जरूर बताइएगा, हम भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इधर देखिए क्या बढ़िया नदी है, नदियाँ, क्या ही कहना, बहुत बढ़िया।
और भाई अपना नींबू पानी पीते हुए वो भी एकदम निराले स्टाइल में, ये भी भाई चेस भी मिलाने की चेस मिला रहे हैं। सही है, ये नींबू पानी, और नींबू पानी पिएंगे शरीर में पूरा एनर्जी लाएंगे और जाएंगे ऊपर। बहुत ये खट्टा हो रखा है, कोई नहीं पिएंगे एनर्जी आएगा। बहुत चल लिए हैं अभी, और थोड़ा कितना 5-10 मिनट रुकना है। हाँ 5-10 मिनट रुक के फिर आगे निकलेंगे, अभी थक गया है मतलब। दोपहर का टाइम भी हो गया, खाना भी खाना है, अच्छा होटल ढूंढेंगे फिर खाएंगे और बढ़िया से। दिमाग की नसें फट गई है भाई की। केदारनाथ का जो हमारा यात्रा है इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक दो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बंदा आपका घोड़े पे बैठ के जा रहा था, ठीक है, अब इसका बीवी गुम हो गया था, तो वो बोलता है अरे भाई मेरी बंदी कहाँ गई, कैसे बोला था भाई। और आपको अगर गोबर गू ये सबसे अगर बहुत ज्यादा लगाव है तभी आप केदारनाथ आइए, क्योंकि रास्ते में गोबर गू की कमी नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। पाँव का हालत देखिए, पूरा एकदम गू गोबर हो रखा है, बहुत हरियाली। तो ये देखिए यहाँ से जो है केदारनाथ 7 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है, अभी भी 10-12 किलोमीटर बचा हुआ है। ये मतलब इसीलिए लिखा जाता है जो लोग घबराए नहीं, जो चलो 07 किलोमीटर है जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिक लगा के जो है ये लिखा जाता है। हेलो, जल्दी आ जाए, बस चल रहे हैं। अगर रास्ता देख सकते हैं कितना खराब हो रखा है, इस रास्ते में जो है प्रॉब्लम है, लेकिन धक्का देके लेके जा रहे हैं और कहीं कहीं तो उठा के भी ले जाना पड़ रहा है। चलिए और थोड़ा सा है, लोकल बता रहे हैं 8-10 किलोमीटर और बचा है, करते हैं फिर बाबा का मंदिर पहुँचते, पहले वहाँ पहुँचेंगे सब ठीक हो जाएगा, जितना भी दर्द वगैरह है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहुँचते पहले बाबा के मंदिर। इतना ऊपर उठते जा रहे हैं, बादल और हमारा लेवल एक ही होते जा रहा है, दोनों एक लेवल में चल रहे हैं। और उधर जो देख रहे हैं वाइट वाइट जो दिख रहा होगा वो आपका जो एकदम जन्नत स्वर्ग है, ये हमारे महादेव उधर ही बैठते हैं, इधर नीचे नहीं बैठते हैं, बहुत खूबसूरत जगह में बैठते हैं वो। तो उस समय से जो है आप चलते चलते ऊपर उठते उठते अभी जो है नीचे उतरने का मौका मिला है, वो देखिए बहुत खूबसूरत झरना, मतलब गजब का नज़ारा है, बहुत सही लग रहा है। थोड़ा सा है हाथ पाँव में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाबा के वहाँ पहुँचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अभी तो डाउन ही डाउन है, मस्त चलेगा। दिन भर खाना पीना तो हुआ नहीं है, थोड़ा सा उधर खाए थे, उसके बाद अभी भूख लगा है तो मैगी खाने का मन हुआ, तो भैया बना के दिए हैं मैगी, और 60 रुपए की मैगी है, मसाला मैगी, तो अभी खाते हैं उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं, बहुत थक भी गए हैं। कुछ आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कुछ आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब देखिएगा और कैसा लगता है मुझे बताइएगा जरूर। क्या खूबसूरत बादल ही बादल एकदम सामने है, और मतलब हम बादल में ही हैं, और मैं फिलहाल हूँ एकदम बहुत ऊपर में हूँ, और पूरा जो है बादल चारों तरफ से, ठंड भी थोड़ा बढ़ गया है, हाँ तो थोड़ा ठंड लग रहा है, और नीचे से मतलब क्या हो गया, हर कोई बोल रहा है और 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, अभी एक भैया मिले ना बोलते हैं ना यहाँ से पक्का 4 किलोमीटर है, तो और 4 किलोमीटर जाके देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। रहे हमारे महादेव वहाँ पे हैं, बस और 2 किलोमीटर फिर पहुँचेंगे। ओह तेरी का, अभी बजा है 7:15 और बाबा का मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। बहुत ठंड भी लग रहा है, मतलब तो क्या बोले, बहुत थक गए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रहे, ज़्यादा नहीं 50 मीटर जाते हैं 60 मीटर जाते फिर थक जाते हैं, अभी और 1.5 है, करते हैं आगे क्लियर। ये आप जो देख रहे हैं ये सब आपका कैंप है,
और कैंप का रेट ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ बाबा के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आने में थोड़ा सा देर हो गया, मतलब आरती वगैरह होके जो है कपाट बंद हो चुका है। मेरा भाई है ये जो है आपका खिदिरपुर ना, खिदिरपुर आपने गाना सुना होगा ना, खिदिरपुर वाला गाना निकला था ना। तो भाई वहाँ का है, भाई अपने मतलब लोगों को कुछ बोलना है। नहीं, मैं फाइनली अभी केदारनाथ पहुँचा हूँ और भाई ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं 12 जो कि ये साइकिल से कर रहे हैं, मुझे देख कर बहुत प्राउड फील हुआ। आज मैं भाई के ही साथ टाइम बिता रहा हूँ। चलो तो बहुत बढ़िया लगा। अभी मतलब अभी रास्ते में क्या है ना, भाई ने इतना चेयर अप किया, मतलब जब आ रहे थे होता है कहीं एनर्जी खत्म होता है, मुझे प्राउड फील हुआ अब इतना ये कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा। अभी बाबा का घर में बंद हो रखा है, कोई नहीं अभी मंदिर में रहते हैं थोड़ी देर, कल दर्शन के बाद दर्शन करेंगे सुबह सुबह, आपके साथ ही करूंगा। जरूर जरूर। हर महादेव, हर महादेव।